यह देश जो देश में हम रहते हैं वह देश ऐसे ही नहीं चलता। कई लोगों का डेडिकेशन, कई लोगों का समर्पण, कई लोगों की भावनाएं, कई लोगों का दान और कई लोग पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, तब जाके ये देश चलता है। और ये जो कई लोग हैं उसमें एक सिरमौर व्यक्तित्व यानी रतन जी टाटा। कई लोग ऐसे होते हैं जीवन में, उनके बारे में बोले बिना आप नहीं रह सकते, क्योंकि आदमी तो आता है, जाता है, चला जाता है, जीवन मिलता है, जन्म लेता है, 25, 50, 100 साल में आदमी यहां से निकल जाता है, लेकिन याद क्या रह जाता है? उसके किए हुए कार्य याद रह जाते। छोटा सा जीवन, 86 साल की उम्र में हमारे बीच से भरतन जी चले गए। और मैं तो कहता हूं, मैंने तो उनकी आत्मकथा भी पढ़ी है, उनके जीवन को देखा है, उनके जीवन के एक एक कार्यों को पढ़ा है मैंने, और मैं तो कहता हूं कि भारत देश में ऐसे उद्योगपति अगेन दोबारा हो ये प्रायः नामुमकिन है। उद्योगपति बहुत है भारत में, लेकिन एक ये ऐसे उद्योगपति थे जिनका जीवन खुद के लिए नहीं था लेकिन दूसरों के लिए था। जितनी संपत्ति अर्जित करते थे, जितनी भागा भागी करते थे, जितना दौड़ते थे, किसके लिए? दूसरों के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। और इसीलिए कहना पड़ता है यथा नामस तथा गुण। संस्कृत में एक पंक्ति है कि जैसे नाम वैसा ही गुण। नाम रतन था तो हकीकत में वह देश के कोहिनूर रतन थे। 2-4-6 महीने में समाचार आते, यहां पे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, यहां पे कैंसर की हॉस्पिटल बनवाई, 7 सिस्टर जैसे एरिया में जहां कोई सुविधाएं नहीं है, मणिपुर जैसे क्षेत्रों में एक साथ 10-15-20-20 हॉस्पिटलों का उद्घाटन, प्रायः 100 से ज्यादा अस्पताल वो व्यक्ति चलाते थे। पीछे पूरी टीम थी, ट्रस्ट था, ठीक है, लेकिन विजन किसका? कोई एक आदमी संसार में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विजनरी आदमी हो वो संसार को बदल के रख देता है। और ऐसे ही एक विजनरी आदमी यानी रतन जी टाटा, इतने अद्भुत कार्य जीवन में किए। मुंबई में कैंसर अस्पताल, अंदर जाते हैं तो अपने को लगता है, मैं तो कई बार कहता हूं कि जिनको ये जानना है कि वह कितने पुण्यशाली है, आप और मैं कितने सद्भाग्यशाली है, कितने सौभाग्यशाली है, कितने पुण्यशाली है, ये जानना है तो जीवन में एक बार कैंसर अस्पताल जाके आओ, जीवन में एक बार पागलखाने में जाके आओ, आपको पता चलेगा कि परमात्मा की कितनी कृपा हमारे पर है। आदमी सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, हजारों लोगों की एक साथ ट्रीटमेंट हो रही है, कितनी दुआएं मिलती होगी। वो चाहे तो खुद का करके जीवन बिता सकते थे, लेकिन दूसरे का उन्होंने पहले सोचा। और इसलिए आज समाचार मिलते ही कई लोग ये संसार से जाते हैं तो हृदय को फील होता है, दुख होता है। और मात्र मुझे हुआ ऐसा नहीं, जितने लोग ये भारत देश में, विदेशों में, जहां जहां उनका संपर्क परिचय हुआ है, वहां वहां सबको ये फील हुआ कि एक अच्छा आदमी संसार से चला गया। स्वार्थी लोगों से तो संसार भरा पड़ा है, लेकिन परमार्थी लोग ये संसार में बहुत कम है। जिनकी भावना परमार्थ की, दूसरों का भला हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए, कई अस्पताल की बात आए तो रतन टाटा सबसे पहले रहते थे।
कि एजुकेशन फील्ड में वर्क करने की बात आवे तो रतन जी टाटा सबसे पहले रहते थे। आर्मी में फंड की जरूरत हो, मैं सबसे आगे हूं। जहां भी देश को जरूरत पड़ जाए, देश के लोगों को जरूरत पड़ जाए, छोटे से छोटे लोगों को जो जरूरत होती है उसको पूरी करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और मैं तो कहता हूं मात्र भारत का नहीं, विश्व का शायद ये एक लौती ऐसी कंपनी होगी, समझना मेरी बात को, मात्र भारत की नहीं, विश्व की एकमात्र शायद ये टाटा सन्स एक लौती ऐसी कंपनी होगी जिसका 50% से ज्यादा हिस्सा टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। वो कंपनी जितना अर्जित करती है, जितना उपार्जित करती है, जितना कमाती है, उसमें जितने भी डायरेक्टर हो, किसी का 5%, किसी का 2%, किसी का 10%, लेकिन 50-60% हिस्सा किसका है? टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट का। और जमशेद जी टाटा ने ये परंपरा चलाई कि हम जितना भी कमाए आपको आपकी मूड़ी में से 10% हिस्सा देना। गुरुदेव कई बार कहते हैं कि 10% तो कम से कम खर्च करो, आप जितना कमाते हो 10% यदि धर्म के क्षेत्र में वापर लोगे तो आपके बाकी के पैसे डूबेंगे नहीं। हम इतना समझने के बावजूद, इतना धर्म के साथ जुड़े हुए होने के बावजूद 10% वापरने के लिए आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन टाटा सन्स एक विश्व की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 60-70%, 50-60% जो चैरिटी में जाता है, चैरिटेबल ट्रस्ट का हिस्सा है। जीवन भर अद्भुत व्यक्तित्व रहे वो। और मैं सुबह सुबह कह रहा था कि वो व्यक्तित्व ऐसा था जिसका प्रायः संसार में कोई दुश्मन नहीं था। आप एक इंसान ऐसा नहीं खोज पाओगे जो उनके लिए नेगेटिव बोलते हो। ये जीवन की ताकत है। आना जाना तो सबका है, सब आते हैं सब जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन कैसा बनाते हैं वो बहुत बड़ी बात है। आपने जीवन में किया क्या, आपने औरों के लिए कितना खर्च किया, आपने औरों के लिए आपकी शक्ति का कितना उपयोग किया, आपने औरों के लिए क्या किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जीवन का है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका जन्म होना है उसका मृत्यु होना ही है, लेकिन कई लोग संसार से जाते हैं तो फील होता है, दुख होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि संसार में उनका कोई दुश्मन नहीं था। आप चाहो तो प्रयोग करके देख लेना, 100 लोगों से बात करना, सब उनके लिए अच्छा बोलेंगे, एक भी इंसान उनके लिए बुरा बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा, किसी से दुश्मनी नहीं। और एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया, जो अच्छा है उसकी कदर करनी चाहिए, जो अच्छा है उसके गुणगान गाने चाहिए। इसीलिए ये सुधर्मा स्वामी की पाठ के ऊपर से आज मुझे कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व ये संसार में से चला गया जिसके लिए पूरे जैन समाज को, हम सबको, सबको दुख है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।